है SBN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति। मध्य प्रदेश में जहां सियासी उठापटक जारी है और इन सब के बीच महामहिम राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की और क्या कहा देखिए इस वीडियो में। आज मैंने उनको भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जी। आज के दिन हमारी सरकार की बहुमत है जी। हमने पिछले महीनों में ये सिद्ध किया जी। अगर कोई कहता है जी। कि हमारी बहुमत नहीं है जी। अविश्वास प्रस्ताव लिए सर को नहीं मतलब मुझे क्यों फ्लोर टेस्ट कराना भाई सब मैं कितना दबाव ये सोच रहा और उसका प्रावधान नियमों में कि आप जिस मेरी आज जब बहुमत है आप कहते हैं नहीं है अगर नहीं है आप कृपा करके अविश्वास प्रस्ताव ले आइए जो आज ये लाए हैं और फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। जो दूसरा खत लिखा गया है सर 16 लोग इन्होंने बंधक रखे आज इन 16 लोगों को अरे केवल छोड़ो यार क्या परेशानी है कि ये भोपाल आए आप सबके सामने आए मीडिया के सामने आए विधानसभा के सामने आए और अपनी बात बताई। सर लेटेस्ट खत में ये कहा गया है कमलनाथ जी लेटेस्ट खत में कहा गया है कि उनके पास ये मानने के लिए साक्ष्य है कि आपके पास बहुमत नहीं इसलिए 17 तारीख को आप बहुमत साबित करें वो लेटेस्ट खत है। आज के दिन हमारी बहुमत है जो कहते हैं कि हमारी बहुमत नहीं है अविश्वास प्रस्ताव ये तो राज्यपाल कह रहे हैं राज्यपाल थोड़ी अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। राज्यपाल ने अपने खत में कहा है कि आप 17 को बहुमत साबित करें कोई कुछ भी कहे कोई बात आज हमारी सरकार की बहुमत है। अगर कोई आरोप लगाते हैं कि हमारे सरकार के पास बहुमत नहीं है वो ऐसे विधानसभा के फ्लोर पर सिद्ध करे अविश्वास प्रस्ताव लाए। बता दें आपको कि जहां पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है जहां बता दें आपको कि सिंधिया जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं वहीं भाजपा में शामिल हो चुके हैं और इन सब के बाद बता दें आपको कि सिंधिया समर्थक भी जो भी हैं उन्होंने लगभग 19 से 22 विधायक जो हैं उन्होंने इस्तीफा सौंपा है और इन सब के बाद कमलनाथ सरकार जो है वो गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में कमलनाथ सरकार ने कहा है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि अगर बीजेपी के पास बहुमत है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से कमलनाथ सरकार अपनी सरकार बचा पाएगी। क्या भाजपा अपने मंसूबे पर कामयाब हो जाएगी क्या भाजपा मध्य प्रदेश में कमल खिला पाएगी क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।